हीरा मोहब्बते में आधी रोशनी पर तेजाब फेंकने की कोशिश करता है और इशिता उसे रोकने की कोशिश करती है। इशिता उसे घर लौटने के लिए कहती है, लेकिन आदि कहता है कि उसका कोई घर नहीं है और वह बस रोशनी को चाहता है, लेकिन रोशनी भी उसे प्यार नहीं करती। आदि इशिता से कहता है कि वह रोशनी को बर्बाद कर देगा। यह सुनकर इशिता आदि को गोली मार देती है। इससे आदि गुस्से में भड़क जाता है और तेजाब की बोतल खोलता है और उसके ऊपर फेंक देता है। इशिता आदि पर निशाना लगाते हुए गोली दाग देती है। आदि की लाश देख आलिया टूट जाती है और इशिता पर चिल्लाती है। तभी इशिता भागकर आदि को अपनी बाहों में ले लेती है और जोर जोर से चीखने लगती है। यह मोहब्बते में 8 महीने का लीप आ गया है, यानी इशिता की कहानी 8 महीने आगे बढ़ गई है। जहां इशिता एक अध्याय अनाथालय में है और बच्चों से बातें कर रही है। अनाथालय की हेड इशिता को देखती है कि उसे याद आता है कि उसकी बेटी जेल में है। इसके बाद इशिता सभी बच्चों को केक खिलाती और कहती है कि आज उसकी बेटी घर वापस लौट आएगी। दूसरी तरफ रमन सोकर जागता और उसे याद आता है कि आज उसकी बेटी पीहू जेल से वापस आ रही है। वह यह देखकर तैयार होने लगता है और इशिता की मदद से लुंगी पहनता है। संतोषी मंदिर को सफेद कपड़े में लिपटे हुए देखकर हैरान रह जाता है। तभी परम वहां आता है और संतोषी से कहता है कि उसकी बेटी अनन्या को मारने के लिए पीहू को कम सजा मिली, इसलिए उसने ऐसा किया। सिम्मी और परम भल्ला हाउस में ही रहते हैं क्योंकि कोर्ट उन्हें उसी घर में रहने की परमिशन देती है। संतोषी चहल कर भी पीहू का फेवरेट हलवा नहीं बना पाती क्योंकि सिमी उसे बनाने नहीं देती, लेकिन मधु हलवा पूरी तरह बनाती और फिर पूरा परिवार मंदिर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आलिया भी एक मजबूत महिला के रूप में नजर आएंगी और उसकी जिंदगी में आदि का नामोनिशान तक नहीं है। वह आदि को तक याद नहीं करना चाहती। रमन मंदिर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि 1 घंटे पहले ही पीहू को जेल से रिहा कर दिया गया। पीहू इसी माँ से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। तेज न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।